सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर आपको एक्सकेवेशन विद द हेल्प ऑफ लेबर करवाना है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल मेस कंस्ट्रक्शन के अंदर। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक्सकेवेशन पार्ट है वो आपको जेसीबी से करवाना चाहिए या फिर बाय हैंड्स, या जो हमारी लेबर होती है वो करती है उससे करवाना चाहिए। तो हमारे पास दो मेथड हैं। दोनों मेथड को करने के लिए अलग अलग सर्कमस्टांसिस होते हैं। मान लीजिए अगर वाटर लेवल अप है, जिसे हम कहते हैं चोवा चढ़ा हुआ है, अगर वाटर लेवल राइज है, अप है आपकी साइट के ऊपर, तो आपको एक्सकेवेशन पार्ट जेसीबी से करवाना होगा। बिकॉज़ हाथों की मदद से एक पार्ट तक आप एक्सकेवेट करवा सकते हैं, उसके बाद गीली मिट्टी हो जाएगी जो बहुत ही चिकनी हो जाती है, फिर वो कस्सी के हेल्प की मदद से आप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा जो एक रीज़न और है, जहाँ पर आपके पास एरिया काफ़ी है एक्सकेवेट मिट्टी को रखने का, तो भी आप विद दी हेल्प ऑफ जेसीबी अपना एक्सकेवेशन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं विद दी हेल्प ऑफ हैंड्स के एक्सकेवेशन के पार्ट पे। अगर आपका प्लॉट का साइज है तो काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम, उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके आसपास आपके पास खाली एरिया नहीं है जहाँ से आपकी मिट्टी एक्सकेवेट करके आप बाहर डाल सकें, तो विद दी हेल्प ऑफ हैंड्स आपको एक्सकेवेशन का पार्ट करना होगा। दूसरा, जहाँ पर सूखी मिट्टी है, सूखी प्लस कॉम्पैक्ट मिट्टी है, आपको वहाँ पर विद दी हेल्प ऑफ लेबर अगर आप एक्सकेवेट करवाएंगे तो बेटर रहेगा। सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया, विद दी हेल्प ऑफ हैंड एक्सकेवेशन, अब यहाँ पर आपकी एक्सकेवेशन हैंड से होएगी, यानी आपका जो फुटिंग का साइज़ है उसकी एक्सकेवेशन आप हैंड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कॉलम हैं जितने भी, इनकी एक्सकेवेशन हमने विद द हेल्प ऑफ हैंड्स करी है। बट ये जो एरिया है, इसकी एक्सकेवेशन हमने जेसीबी से कराई है। तो हमने दोनों पार्ट को यहाँ पर मिला के काम किया है। अब यहाँ पर देखिए, जेसीबी से जो हमने एक्सकेवेशन करवाई है उसमें आपका फुटिंग के साइज से एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, जिसको आपको फिर विद द हेल्प ऑफ फट्टा या फिर आप ब्रिक भी लगा सकते हैं साइड में, कि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। जैसे हमने यहाँ ब्रिक लगा दिया, ये बाद में ब्रिक्स हट जाएंगी। तो एक एजम्पशन ले लेते हैं। तो एजम्पशन में क्या है कि आपका 4x4 फीट का पिट है, एक आपका 5x5 फीट का पिट है, ये आपको 4 फुट एस्केवेट करना है, ये आपको 5 फीट एस्केवेट करना है। लेबर जो एक पिट का आपसे चार्ज करेगी, वो इसके लिए 600 to 800 रुपीज़ चार्ज करेगी, और इसके लिए आपसे 1200 से 1500 रुपये चार्ज करेगी। रीज़न का डिफरेंस हो सकता है, रीज़न रीज़न से अगर आप कौन से प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है। प्लस पर स्क्वेयर फीट जो प्राइस है एक्सकेवेशन का, वो 10 से 15 रुपये। अब इसको लेके चलते हैं, ये क्यूबिक फीट में रहेगा आपका। तो ये हो गया आपका 4x4x4, 5x5x5,
अब आपको इसको 10 से एक मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, 10 से इसको कर दीजिए, तो ये 640 रुपये आपके पास आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1250 रुपये। आप इसको इसमें देखेंगे तो लमसम लमसम वैल्यू आपकी यही आई है। एक बात का आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इस प्रोसेस में तभी जाना है जब आपके पास 10 से 20 पिट है एक्सकेवेट करवाने के लिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा हैं, इंक्रीज ऑर्डर में हैं, तो आप जेसीबी से एक्सकेवेशन करवाना, ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपके पास 10 से 20 पिट हैं तो आप लेबर की मदद से एक्सकेवेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास 10 से 20 पिट ज़्यादा हैं तो उसके लिए आपको जेसीबी से एक्सकेवेट करवाना पड़ेगा। अमाउंट जो लगेगा आपका लेबर के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है। जेसीबी से आप करेंगे तो 900 से 1000 रुपये पर आवर चार्ज करती है जेसीबी, प्लस वो मान लीजिए इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन आएगा तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आने के। अगर आपका 2 से 3 घंटे का काम है तो वो इतने रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर आपका 5 से 5 आवर से एक्स्ट्रा काम है तो ये वो चार्ज नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो भी आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आपको लेबर से और जेसीबी से कब एस्केवेट करवाना है। अगर आपके पास वाटर लेवल अप है तो आपको जेसीबी से स्टार्ट करवाना है, और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट सोयल है तो आप लेबर से करवा सकते हैं। इसका रीज़न इसलिए है, अगर आप लेबर से एक्सकेवेट करवाएंगे तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पानी आ जाएगा, तो जो आपका लेबर है वो इस पानी में खड़ा होके मिट्टी को, सोयल को बाहर नहीं डाल सकता, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा आप। और अगर कॉम्पैक्ट सोयल है तो वो इजीली यहाँ पे एस्केवेट करता जाएगा। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जेसीबी से आपको तब एस्केवेट करवाना है जो पिट के मतलब पिट नंबर ऑफ पिट आपके पास 20 से अप होने चाहिए, तो आपको जेसीबी से करवाना है। और अगर आपके पास 20 से डाउन है तो आप लेबर से एस्केवेट करवा सकते हैं। इसका प्राइस का जो रहेगा वो 600 से 800 रुपये 4x4 का रहेगा, और आपका 1200 से 1500 रुपये 5x5 फीट का पिट रहेगा। इसके जो चार्जेस हैं 900 से 1000 रुपीज़ पर आवर रहता है। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है और इसके आसपास नहर है या आपके प्लॉट के आसपास वाटर वर्क्स है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका वाटर लेवल हमेशा आप ही मिलेगा, तो आपको अगेन जेसीबी से ही एक्सकेवेशन करवानी है। आपका प्लॉट जो है वो कहीं पे मान लीजिए आप मेट्रो सिटी में है या एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे वाटर लेवल डाउन है किसी भी रीज़न की तरफ से, कि समरसीबल से पानी निकाल लिया गया, पहले जो यहाँ पर रहते थे उन्होंने नीचे का जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो यूज़ किया है, तो आपको लेबर से एक्सकेवेट करवाएंगे तो बेटर रहेगा। आप जेसीबी से भी करवा सकते हैं अगर आपकी कॉम्पैक्ट सोयल है तो। रीज़न अब आ जाते हैं, एडवांटेज क्या मिलता है अगर आप लेबर से एस्केवेट करवाएंगे तो। जो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको शटरिंग करने की नेसेसिटी नहीं है, जो हम हॉरिजॉन्टल शटरिंग करते हैं एंड वर्टिकल
शटरिंग करते हैं उसकी करने की नीड नहीं है। आपने 4x4 फीट का एक्सकेवेशन किया, यहाँ पे आपने सरिया लगाया, कॉलम इसके ऊपर खड़ा किया और आपने इजीली ऊपर से कंक्रीट पोर करके इसको फिल कर दिया। जेसीबी वाले में क्या रहता है, आपने जेसीबी से खुदाई करी है तो ये कुछ ऐसा रह जाता है, आपको फिर यहाँ पर शटरिंग लगानी पड़ेगी, फिर आप इसके अंदर जाल बिछाएंगे, फिर आप इसके अंदर कॉलम लगाएंगे, फिर आपको एक्सकेवेट करेंगे और फिर आपको यहाँ पे कुछ चाली या फिर पैड लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर खड़े होकर आप इससे डालेंगे। और एक एडवांटेज क्या रहता है, ये आपका शटरिंग का या बच गया, आपने शटरिंग नहीं लगाई, यहाँ पे आपने कॉलम खड़ा कर दिया, तो कॉलम आपका सेंटर में रहेगा ज़्यादातर टाइम। जेसीबी के एक्सकेवेशन में क्या रहता है, कई बार अगर मान लीजिए गलत एक्सकेवेशन हो गई तो आपको अगेन लेबर का यूज़ करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और यहाँ से करने में, थोड़ा सा यहाँ से करने में, आपने फिर लेबर का भी यूज़ किया, फिर आपने शटरिंग भी लगाया, तो आपका टाइम इंक्रीज हो गया प्लस लेबर। तो बेटर रहता है कि आप लेबर से ही करवाएं, इससे आपका टाइम बचता है, आपकी लेबर कम लगती है। हाँ, शर्त ज़रूर है, 10 से 20 फिट होने चाहिए बस, अगर इससे इंक्रीज करते हैं तो आप गो फॉर जेसीबी। थैंक यू गाइस, वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, डिसलाइक भी करना हो तो कर सकते हैं, पर करें ज़रूर।